नमस्कार बीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें। अनलॉक होते ही छिटपुट आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी होने लगी है। प्रदेश के हर भाग में लगभग एक जैसी स्थिति है। आर्थिक राजधानी मुंबई भी इससे अछूती नहीं है। तो शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुद्दे पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को घेरने का प्रयास किया है। वही अब तक ईडी शिवसेना के मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े लोगों के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है। उधर प्रदेश के अल्पसंख्यक विकास राज्य मंत्री विश्वजीत कदम ने यह कहकर चौंका दिया है कि सरकार भविष्य में मुस्लिम समाज को आरक्षण देने को लेकर फैसला लेगी। इसी बीच शारजाह से आए यात्री पर कार्रवाई करते हुए पुणे एयरपोर्ट पर कस्टम के इंटेलिजेंस विभाग ने लगभग 3000 हीरे जब्त किए हैं। पहली बार यहां हीरे की इतनी बड़ी तस्करी पकड़ी गई है। प्रदेश की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कोरोना काल में लोग घरों में दुबके थे तो आपराधिक घटनाओं में काफी कमी आई थी। अब अनलॉक होते ही छिटपुट आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी होने लगी है। प्रदेश के हर भाग में लगभग एक जैसी स्थिति है। इनमें चैन स्नैचिंग एवं छेड़छाड़ की घटनाएं सर्वाधिक है। आर्थिक राजधानी मुंबई भी इससे अछूती नहीं है। मुंबई पुलिस सूत्रों के अनुसार चैन स्नैचिंग के मामले जहां गली मोहल्लों, पार्किंग एवं सुनसान जगहों पर बढ़े हैं, वहीं छेड़छाड़ की घटनाएं जुहू, गिरगांव, वर्सोवा, अक्सा और मढ़मारवे बीच पर हो रही है। दो दिन पहले जुहू बीच से एक महिला मित्र के साथ घर लौट रहे एक बाइक सवार के साथ चैन स्नैचिंग की घटना हुई। उसकी दोस्त से छेड़छाड़ भी की गई। इस तरह की घटना दानापानी बीच से आ रहे एक प्रेमी युगल के साथ घटी। मालवाणी पुलिस से जुड़े आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि उनके ज्यूरिडिक्शन में आने वाले सभी बीचों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उन्होंने अपील की है कि ऐसी घटनाएं जिनके साथ हो वो तत्काल पुलिस को रिपोर्ट करें, फिर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गजानन शिंदे कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ बढ़ने से वहां चैन स्नैचरों की सक्रियता भी बढ़ जाती है, छेड़छाड़ की शिकायतें भी बढ़ रही है। मुंबई पुलिस पीड़ित लोगों से अपील करती है कि वे नजदीकी पुलिस स्टेशनों में इसकी शिकायत दर्ज कराएं अथवा मुंबई पुलिस को ट्वीट कर उन्हें घटना की जानकारी दें, ताकि समय रहते पुलिस कार्रवाई कर सके। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुद्दे पर केंद्र सरकार और पीएम मोदी को घेरने का प्रयास किया है। हालांकि अपने इस प्रयास में शिवसेना ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले जवानों का भी अपमान कर दिया है। सामना ने लिखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के छोटे पटाखे फोड़कर पाक अधिकृत कश्मीर हमारे कब्जे में नहीं आएगा। हम अभी तक पाक जेल में बंद कुलभूषण जाधव को छुड़वा नहीं पाए हैं, दाऊद को अपने कब्जे में नहीं ले सके हैं, तो पाक अधिकृत कश्मीर को लेने का संकल्प कैसे पूरा होगा। जिस तरह कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, उसी तरह पाक के कब्जे वाले कश्मीर के भूभाग को वापस लाने का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी का है। लेकिन अब सवाल ये है कि पाक के कब्जे वाले कश्मीर को छुड़ाने के लिए मोदी सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे। वे पहला कदम कब उठाएंगे? मोदी सरकार इस बारे में कोई प्लान घोषित करे तो अच्छा होगा। पाक अधिकृत कश्मीर को कब्जे में लेने से पहले सरकार को हिंदुस्तानी कश्मीरी की बातों का स्थायी हल निकालना होगा। कश्मीर में आज भी अशांति और तनाव है। धारा 370 हटाई ठीक है, लेकिन उसके बाद एक भी नया उद्योग कश्मीर में नहीं आया, निवेश नहीं हुआ और रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हुए। इस वजह से कश्मीर के युवाओं में असंतोष है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक द कश्मीर फाइल्स फिल्म का प्रचार करके वहां के असली मुद्दों का निदान नहीं किया जा सकता। कश्मीरी पंडितों के लिए बनाई गई पुनर्वास व घरकुल योजना भी मोदी सरकार ने पूरी नहीं की है। प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर की 6 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति को सैद्धांतिक रूप से जब्त कर लिया है। अब तक ईडी शिवसेना के मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, लेकिन ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े लोगों के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले ईडी ने कहा है कि उसने मंगलवार को 6 करोड़ 45 लाख रुपए की अचल संपत्ति जब्त की है, जिसमें ठाणे स्थित नीलांबरी प्रोजेक्ट के 11 फ्लैट का समावेश है। ये प्रोजेक्ट श्री साई बाबा गृह निर्मिति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मार्फत चल रहा है। इस कंपनी पर श्रीधर माधव पाटनकर का नियंत्रण है और वे इस कंपनी के मालिक है। इससे पहले ईडी ने 6 मार्च 2017 को पुष्पक बुलियन एंड ग्रुप ऑफ कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था और कंपनी की 21 करोड़ 46 लाख रुपए की चल व अचल संपत्ति जब्त की थी। ये संपत्ति कंपनी के निदेशक महेश पटेल व चंद्रकांत पटेल के परिवार से जुड़े लोगों की थी। इस मामले की जांच में पता चला था कि महेश पटेल ने नंदकिशोर चतुर्वेदी के साथ मिलकर पुष्पक समूह से जुड़ी एक कंपनी के 20 करोड़ रुपए का गबन कर लिया था। चतुर्वेदी कई सेल कंपनियों को ऑपरेट करता है। चतुर्वेदी ने सेल कंपनी हमसफर डीलर प्राइवेट लिमिटेड के जरिए कर्ज के नाम पर 30 करोड़ रुपए श्री साई बाबा गृह निर्मिति प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर किए हैं।
प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार मुस्लिम आरक्षण के लिए सकारात्मक है। सरकार भविष्य में मुस्लिम समाज को आरक्षण देने को लेकर फैसला लेगी। विधान परिषद में प्रदेश के अल्पसंख्यक विकास राज्य मंत्री विश्वजीत कदम ने ये दावा किया है। विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि राज्य के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने 28 फरवरी 2020 को विधान परिषद में मुस्लिम आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी करने की घोषणा की थी, जबकि शिवसेना का मुस्लिम आरक्षण को लेकर विरोध है। इसलिए मुस्लिम आरक्षण को लेकर सरकार को भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। दरेकर ने कहा कि सरकार ने यदि धर्म के आधार पर मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया तो मराठा समाज समेत अन्य वर्गों को नुकसान होगा। इसके जवाब में कदम ने कहा कि आघाड़ी सरकार ने 9 जुलाई 2014 को मुस्लिम समाज को शिक्षा और नौकरियों में 5% आरक्षण देने के लिए अध्यादेश जारी किया था, लेकिन भाजपा सरकार के समय संबंधित अध्यादेश लैप्स हो गया था, इसलिए मुस्लिम आरक्षण कायम नहीं रह पाया था। लेकिन सरकार मुस्लिम आरक्षण के लिए सकारात्मक है। मुस्लिम आरक्षण पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। अब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा जाएगा। इसी बीच राकापा सदस्य बाबा जानी दुर्रानी ने कहा कि ओबीसी के 27% आरक्षण का लाभ मुस्लिम ओबीसी को भी मिलता है, इसलिए सरकार ओबीसी के 27% आरक्षण में से 4% आरक्षण मुस्लिम समाज को देने पर विचार करे। शारजाह से आए यात्री पर कार्रवाई करते हुए पुणे एयरपोर्ट पर कस्टम के इंटेलिजेंस विभाग ने लगभग 3000 हीरे जब्त किए हैं। इन हीरों की कीमत 48,66,000 रुपए है। शारजाह अबुधाबी से पुणे आने वाली अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट से इससे पहले सोने की तस्करी की जाती थी, इसका खुलासा कई बार हुआ है। हालांकि अब पहली बार हीरे की तस्करी हुई है। जिस यात्री के पास हीरे मिले वो शारजाह से आया था। एयर इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों को इस बारे में जानकारी मिली थी। इसके अनुसार अधिकारी ने शारजाह से आने वाले यात्रियों की तलाशी बहुत ही बारीकी से ली। इनमें से एक यात्री के सामान में एक ट्राउजर की जेब में हीरे छिपा कर रखे गए थे। इन हीरों का वजन 75 कैरेट है और इसका मार्केट वैल्यू 48,66,000 रुपए है। इस यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है, अधिक जांच की जा रही है। इससे पहले भी पुणे एयरपोर्ट पर अजीबोगरीब तस्करी का मामला पकड़ा गया था। दुबई से लौटी एक महिला सिक्योरिटी से गुजर रही थी। महिला अफसर ने जब उसे चेक किया तो मशीन से बीप की आवाज आने लगी, लेकिन उसके कपड़ों में कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कस्टम विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिन्होंने आकर उसे हिरासत में ले लिया। जब महिलाओं ने मेडिकल टीम को बुलाया तो हैरान करने वाली बात सामने आई। महिला दुबई से सोना लेकर आई थी, लेकिन उसने गोल्ड को पेस्ट में बदल दिया था और उसे अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर छिपा दिया गया था। इस सोने की कीमत 20,00,000 रुपए थी। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में टॉफी में जहर मिलाकर देने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है। वहीं हैदराबाद के भोईगुड़ा में एक कबाड़ में गोदाम में आग लगने से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला को ससुर के घर में रहने का हक है, भले ही वो वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए दाखिल पति की याचिका का विरोध कर रही हो। उधर राजद प्रमुख लालू यादव को दिल्ली एम्स अस्पताल ने एडमिट करने से इनकार कर दिया है। उन्हें किडनी की तकलीफ के चलते मंगलवार को दिल्ली लाया गया था। इसी बीच कर्नाटक में एक और धार्मिक विवाद सामने आया है। तटीय कर्नाटक में कुछ अज्ञात लोगों ने एक विवादित बैनर लगाकर मंदिरों में लगने वाले मेलों में मुसलमानों की दुकानों पर बैन लगाने की मांग की है। देश भर की 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में दिल को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है। कसैया थाना क्षेत्र के कुड़वा दिलीप नगर में टॉफी में जहर मिलाकर देने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। परिजनों के मुताबिक चारों बच्चे अपने दरवाजे पर खेल रहे थे, तभी एक अपरिचित व्यक्ति आया और उनके सामने टॉफी फेंक कर चला गया। चारों बच्चों ने उसे उठाकर खा लिया। आधे घंटे बाद बच्चों की हालत बिगड़ी तो परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसैया लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत बताते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचते ही चारों बच्चों की मौत हो गई। उसके पहले जिला अस्पताल ले जाते समय मौत से पहले संजना नाम की बच्ची ने बताया कि हम लोग दरवाजे पर खेल रहे थे, तभी एक अपरिचित व्यक्ति ने रास्ते से जाते समय हंसते हुए हम लोगों के पास टॉफी फेंकी और वहां से चला गया, जिसे खाने के बाद हम लोग की हालत खराब हो गई। वही मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने इसे पुरानी रंजिश बताया। हालांकि पीड़ित परिवारों का कहना है कि हमारी किसी से भी दुश्मनी नहीं है, और अगर किसी को हमसे दुश्मनी भी थी तो बच्चों का क्या कसूर था। परिजनों के मुताबिक मरने वाले में 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल है।
इसमें संजना 6 वर्षीय, आरुष 5 वर्ष, स्वीटी 3 वर्ष और समर 2 वर्ष के हैं। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे। मामले की जांच की जा रही है। हैदराबाद के भोईगुड़ा में एक कबाड़ के गोदाम में आग लगने से कम 11 लोगों की मौत हो गई। गांधीनगर स्टेशन हाउस ऑफिसर के अनुसार हादसा कबाड़ के गोदाम में आग लगने से हुआ। जिस समय आग लगी दुकान के अंदर कुल 12 सदस्य मौजूद थे। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई। राहत कार्य शुरू हुआ लेकिन जब तक अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाला जाता देर हो चुकी थी। फायर विभाग के अधिकारी पापैया ने कहा कि गोदाम में स्क्रैप के साथ केबल्स भी थे जिसकी वजह से आग तेजी से फैली। वे सभी शायद उस स्क्रैप के ऊपर सोए हुए थे। अचानक आग लगने से बाहर नहीं निकल पाए। जब हम लोग आग बुझाने आए तो पता नहीं था कि मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। कोई बताने वाला भी नहीं था। चारों तरफ आग और धुआं फैला हुआ था। पूरी आग बुझाने में करीब 3 घंटे लगे और उसके बाद ही हम अंदर घुस पाए। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति खिड़की से कूदकर बाहर निकल पाया जो हल्का घायल हुआ है। 11 मजदूरों के शवों को गांधी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। मृतक मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ। इसी बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने इस अग्निकांड में मारे गए लोगों के लिए मुआवजों की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि हर एक पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा दिए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला को ससुर के घर में रहने का हक है, भले ही वो वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए दाखिल पति की याचिका का विरोध कर रही है। कोर्ट ने कहा है कि ससुराल में निवास पाने का अधिकार हिंदू विवाह अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार से अलग है। इसके साथ ही जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दंपत्ति की याचिका खारिज कर दी। दंपत्ति ने याचिका में निचली अदालत के घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला को ससुराल के घर में रहने का अधिकार दिए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने बताया था कि उनकी पुत्रवधु ने विवाह के बाद सितंबर 2011 में अपना ससुराल छोड़ दिया था। दोनों पक्षों के बीच एक दूसरे के खिलाफ 60 से अधिक दीवानी मुकदमे तैयार किए गए हैं। इनमें से एक मामला महिला ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत दायर किया था और कार्यवाही के दौरान महिला ने संबंधित संपत्ति में निवास के अधिकार का दावा किया था। निचली अदालत ने महिला की मांग को स्वीकार करते हुए कहा था कि वो मकान में पहली मंजिल पर रहने की हकदार है। इस आदेश को सत्र न्यायालय ने भी सही ठहराया। इसके खिलाफ सास ससुर हाईकोर्ट चले गए जहां उन्होंने कहा कि जब वो उनके बेटे के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है तो उनके मकान में रहने का भी अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने इस दलीलों को खारिज कर दिया। राजद प्रमुख लालू यादव को दिल्ली एम्स अस्पताल ने एडमिट करने से इनकार कर दिया है। उन्हें किडनी की तकलीफ के चलते मंगलवार को दिल्ली लाया गया था। चारा घोटाले से जुड़े मामले में 5 साल की सजा काट रहे यादव को अब पुनः रांची के रिम्स ले जाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एम्स के डॉक्टरों ने उनके शरीर में वह समस्या नहीं पाई गई है जिसे बताकर उन्हें दिल्ली लाया गया था। राजद प्रमुख को दिल्ली एम्स के आकस्मिक वार्ड में रखा गया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रात करीब 3 बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। बिहार के पूर्व सीएम 73 वर्षीय लालू यादव को मंगलवार रात 9 बजे रांची से दिल्ली एम्स लाया गया था। रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के मेडिकल बोर्ड ने उन्हें हालत बिगड़ने पर एम्स रेफर किया था। उन्हें रात भर एम्स के आकस्मिक चिकित्सा विभाग में रखा गया। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। लालू यादव को सीबीआई की एक विशेष कोर्ट ने 21 फरवरी को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में 5 साल की जेल व 60 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया था। उन्हें कोषागार को 139 करोड़ की चपत लगाने का दोषी माना गया है। जेल में बंद राजद प्रमुख गुर्दे की समस्याओं सहित कई बीमारियों से पीड़ित है। रिम्स के डॉक्टरों की 7 सदस्यीय टीम के प्रमुख डॉक्टर विद्यापति ने मंगलवार को कहा था कि यादव की किडनी 15 से 20% क्षमता से काम कर रही है। इसी आधार पर उन्हें दिल्ली एम्स भेजा गया था। कर्नाटक में अभी हिजाब मामले पर बवाल खत्म नहीं हुआ कि एक और धार्मिक विवाद पैदा करने वाला मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तटीय कर्नाटक में कुछ अज्ञात लोगों ने एक विवादित बैनर लगाकर मंदिरों में लगने वाले मेलों में मुसलमानों की दुकानों पर बैन लगाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि ये लोग दक्षिण पंथी हिंदू समूह के सदस्य है।
वहीं भारी विरोध के बीच इन मेलों की आयोजन समितियों ने इस अनुचित मांग के आगे घुटने टेक दिए हैं। दक्षिण पंथी हिंदू समूहों का कहना है कि हिजाब पर आए फैसलों के बाद मुस्लिम संगठनों ने अपनी दुकानें बंद रखने का ऐलान किया था, इसलिए मंदिरों को उन्हें वार्षिक मेले में स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। दक्षिण कन्नड़ जिले में कुछ जगहों पर विवादित पोस्टर देखे गए थे जिसमें लिखा था कि ऐसे लोगों को यहाँ व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो कानून का सम्मान नहीं करते और एकता के खिलाफ है, जो लोग उन गायों को मारते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। हिंदू अब जागरूक हो चुके हैं। राज्य के तटीय क्षेत्र में मंदिर में वार्षिक उत्सव जो आमतौर पर अप्रैल मई में आयोजित होता है करोड़ों का राजस्व प्राप्त करते हैं। 20 अप्रैल को होने वाले महालिंगेश्वर मंदिर के वार्षिक उत्सव के आयोजकों ने नीलामी में मुसलमानों के भाग लेने पर रोक लगा दी है। आमंत्रण में आयोजकों ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च को बोली में भाग लेने के लिए केवल हिंदू ही पात्र है। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। फिलहाल दुनिया भर की नजर रूस यूक्रेन युद्ध और उससे उपजे हालातों पर लगी है, तो पाकिस्तान में राजनीतिक नूरा कुश्ती भी सुर्खियों में है। अपनी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान मामले में देर करने की रणनीति का सहारा ले रहे हैं। तो पाकिस्तान में ही कुछ हमलावरों ने 18 साल की एक हिंदू युवती के अपहरण की कोशिश की और नाकाम होने पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। तो मरियुपोल शहर की रूस ने घेराबंदी कर रखी है और यूक्रेन को सरेंडर करने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन यूक्रेन ने हथियार डालने से मना कर दिया है। वहीं यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपातकालीन विशेष सत्र आज बुधवार को फिर से शुरू होगा। इसी बीच वर्ल्ड नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। बार्टी की उम्र केवल 25 वर्ष है और उन्होंने विश्व में नंबर 1 स्थान पर रहते हुए यह फैसला करके सबको चौंका दिया है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। अपनी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान मामले में देर करने की रणनीति का सहारा ले रहे हैं। वे चाहते हैं किसी भी तरह मौजूदा हालत में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन में अनिश्चय की स्थिति से बचा जा सके। सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे राजनीतिक संघर्ष में पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने भी दखल देने का फैसला किया है। अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े संवैधानिक सवाल पर सुप्रीम कोर्ट प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई शुरू करने वाला है। दरअसल इमरान सरकार ने राष्ट्रपति के जरिए शीर्ष अदालत से संविधान के एक प्रावधान की व्याख्या करने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति ने पूछा है कि किसी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुने गए सांसद किस हद तक उस पार्टी के खिलाफ कार्य कर सकते हैं और मतदान कर सकते हैं। इस कदम को इमरान खान द्वारा अपनी ही पार्टी के सांसदों को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के खिलाफ मतदान करने से रोकने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। सेना के रुख से भी पाकिस्तान का राजनीतिक माहौल लगातार बदल रहा है। हाल ही में सत्तारूढ़ पार्टी के एक असंतुष्ट सांसद ने इमरान खान को चेतावनी दी कि वे सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा न हटाए, जिनका कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के मामले थम नहीं रहे हैं। ताजा मामले में हमलावरों ने पहले 18 साल की एक हिंदू युवती के अपहरण की कोशिश की, नाकाम होने पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। यह पाकिस्तान के सिंध के रोही सुक्कुर का मामला है। पूजा ओड़ नाम की हिंदू युवती कहीं जा रही थी कि बीच में किसी मनचले ने उसे रोक लिया। उसके साथ कुछ और लोग भी थे, छेड़छाड़ करने लगा तो पूजा ने विरोध किया। इसके बाद उसने पूजा के अपहरण का प्रयास किया। अंत में जब कोशिशें नाकाम हुई तो बीच सड़क पर उसने पूजा को गोली मार दी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर लगातार इस तरह के अत्याचार के मामले सामने आते रहते हैं। विशेषकर सिंध प्रांत में हिंदू महिलाओं को अगवा किया जाता है, फिर जबरन धर्मांतरण कराया जाता है। दरअसल पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी निवास करती है। यहाँ वे मुस्लिमों के साथ अपनी संस्कृति और भाषा को साझा करते हैं। यह बात सिंध प्रांत के कट्टरपंथियों के बहुत ज्यादा खलती है और वह वे सिंध प्रांत से हिंदू महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करते हैं। 2019 में सिंध सरकार ने जबरन धर्मांतरण और दूसरी शादी के खिलाफ बिल लाने का प्रयास किया था, लेकिन पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने इस बिल का विरोध किया था। यही कारण है कि ऐसे मामले वहां लगातार सामने आते हैं।
मारियूपोल शहर की रूस ने घेराबंदी कर रखी है और यूक्रेन को सरेंडर करने के लिए अल्टीमेटम दिया है, लेकिन यूक्रेन ने हथियार डालने से मना कर दिया है। रूस का कहना है कि यूक्रेन अगर हथियार डाल देगा तो लड़ाकों और नागरिकों को मारियूपोल से निकालने के लिए सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। मारियूपोल के चारों ओर रूसी सैनिक है, 3 लाख लोग अभी भी फंसे हैं, राशन और दवाएं खत्म होती जा रही है। जो निकलने में कामयाब हुए वो किसी तरह से यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर ज़ापोरिज्हिया पहुंचे। इस बीच यूक्रेनी अधिकारियों ने दावा किया है कि चेर्नोबिल परमाणु पावर प्लांट पर कब्जा किए रूसी सैनिकों ने यहाँ की एक प्रयोगशाला को लूटा है और उसे तबाह किया है। रूसी सैनिकों ने उनकी सेंट्रल एनालिटिकल लेबोरेटरी को नुकसान पहुँचाया है, जहाँ पर बड़ी मात्रा में परमाणु कचरा रखा हुआ था। वहाँ पर रेडियो न्यूक्लाइड के नमूने रखे थे जो बेहद एक्टिव थे और अब वे दुश्मन के हाथों में हैं। इस प्रयोगशाला को 60 लाख यूरो खर्च कर बनाया गया था। बताया जाता है कि यहाँ ऐसे बेहद महत्वपूर्ण उपकरण रखे गए थे जो यूरोप में कहीं और नहीं है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू करने के कुछ दिनों में रूसी सेना ने इस पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया था और यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को कुछ दिन वहीं रखा था, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपातकालीन विशेष सत्र आज बुधवार को फिर से शुरू होगा। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका सहित 22 सदस्य देशों ने बैठक बुलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यीय निकाय के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद को पत्र लिखा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता पर एक दुर्लभ आपातकालीन सत्र बुलाया था। शाहिद ने 28 फरवरी से 2 मार्च तक चले सत्र की अध्यक्षता की थी। 1950 के बाद से यह महासभा का 11वां आपातकालीन सत्र था। शाहिद को 22 सदस्यीय देशों ने एक पत्र भेजा था जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 11वें आपातकालीन विशेष सत्र को फिर से शुरू करने की मांग की गई थी। सत्र को फिर से शुरू करने के लिए शाहिद को पत्र लिखने वाले देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मन, इटली, जापान, पोलैंड, तुर्की, यूक्रेन, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। महासभा ने 2 मार्च को सत्र संपन्न होने से पहले यूक्रेन की संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए मतदान किया था और यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की कड़ी निंदा की थी। भारत सहित 34 अन्य देशों ने इस प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। प्रस्ताव को 141 मतों से पारित किया गया था, जबकि इसके खिलाफ 5 सदस्य देशों ने वोट दिया था। वर्ल्ड नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। बार्टी की उम्र केवल 25 वर्ष है और उन्होंने विश्व में नंबर 1 स्थान पर रहते हुए यह फैसला करके सबको चौंका दिया। बार्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर 6 मिनट का वीडियो डालकर यह घोषणा की। वह बेहद भावुक थी और उनकी आवाज़ लड़खड़ा भी रही थी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मैं इस समय सिर्फ अपने दिल की सुन रही हूँ और मैं जानती हूँ कि यह सही फैसला है। अब अन्य सपनों को साकार करने का समय आ गया है। हालांकि यह पहला अवसर नहीं है जबकि बार्टी ने इस तरह से टेनिस को छोड़ा। वह 2011 में 15 साल की उम्र में विंबलडन जूनियर चैंपियन बनी और उनका करियर शानदार नजर आ रहा था, लेकिन उन्होंने 2014 में थकान, दबाव और लंबी यात्राओं के कारण स्वयं को 2 साल तक खेल से दूर रखा। वह ऑस्ट्रेलिया में इस बीच पेशेवर क्रिकेट खेलने लगी, लेकिन बाद में उन्होंने फिर से रैकेट थामा और अपने खेल में वापसी की। बार्टी ने 3 अलग अलग कोर्ट पर ग्रैंड स्लम टूर्नामेंट जीते। उन्होंने 2019 में क्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन, पिछले साल ग्रास कोर्ट पर विंबलडन और इस वर्ष हार्ड कोर्ट पर ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता। वह पिछले 44 वर्षों में ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बनी थी। फिलहाल वह नंबर 1 रैंकिंग पर रहते हुए संन्यास लेने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई है। उनसे पहले जस्टिन हेनिन ने मई 2008 में नंबर 1 पर रहते हुए टेनिस को अलविदा कह दिया था। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो। बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।